हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैनेजर। मैं हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने है यामा एरोक्स 155 2024 का मॉडल मॉडिशन दिखाएंगे। सबसे पहले नीचे दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे फर प्रोटेक्शन, फॉक्स लैडर, जिससे आपके मरगार्ड, चॉकर और डिस्प्ले पूरी तरह से होते हैं प्रोडक्ट। साथ में इसके लुक भी आते हैं इनहेंस। ये आपका दोनों तरफ मिलता है, इधर भी साथ में मिलता है आपको, इस तरफ भी। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगा इंडिकेटर, जो कि प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। कुछ नहीं करना, सिंपली वाले इंडिकेटर डाल गए और ये वाले इंडिकेटर इंस्टॉल कर दिए गए। चाबी ऑन करते ही ये आपका हो गया ब्लू, और इंडिकेटर जलाने के बाद ये आपका हो जाता है येलो। और ये जर्मन इंडिकेटर हैं, जो कि मलेशिया थाईलैंड वाले, वही इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ में सुनाता हूँ आपको इसके अंदर लगाए गए हॉर्न, उसकी भी साउंड ये सुनिए। ये है इसके हॉर्न, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए, इसकी साउंड, जो कि D95 हेलो ओरिजिनल। इसकी आपको मिलते हैं पूरी 6 महीने गारंटी, काउंटर प्लेसमेंट। इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिया क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड है। ये आपका इजी टू इंस्टॉल्ड है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो लगाया है। इसके अंदर स्लाइडर लगे हुए हैं दो, एक इधर मिलेगा, एक मिलेगा आपको इस तरफ, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। और बैक साइड देखने मिलेगी क्रैश गार्ड, ही देख सकते हैं पूरा क्रैश गार्ड, अल्टीमेट फिनिशिंग का लगा दिया गया था, मैट फिनिश वाला, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। पूरी बॉडी होती है प्रोटेक्ट इससे, और आपके लेग्स भी होते हैं प्रोटेक्ट। इधर आपको मिलते हैं इसके अंदर लीवर गार्ड, जो कि आपके ग्रे और कार्बन की मैचिंग के लगा दिए गए इसके अंदर। इससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोटेक्ट। साथ में लगा दिए गए हैंड ग्रिप, जो कि गोल्डन और ब्लैक की मैचिंग के साथ है। दोनों तरफ मिलते हैं, कंफर्ट राइडिंग भी होती है इससे। और साथ में मिलता है वाइजर, जो कि लॉन्ग वाला वाइजर, इससे विंड कंट्रोल हो जाती है आपकी, और लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। साथ में मिलते हैं इसके अंदर मिरर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी अल्टीमेट लुकिंग के साथ, आप देख सकते हैं। इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो आप। और इसकी एक और खास बात है कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर लगना है, इसे आप चाहो तो बार एंड में भी इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी बाइक, किसी भी स्कूटी के अंदर। तो और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर फॉग लैम्प, जो कि HJG ओरिजिनल वाई वाले लगा दिए गए हैं। इसके आपको रोशनी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये हो गया इसका वाइट, ये हो गया इसका येलो, वाइट येलो। इसे लगाने के बाद आपको किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रोड आपका हो जाता है इसे लगाने पर। नाइट में बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है इसकी। साथ में आपको मिलता है इसके अंदर, देख सकते हैं, एरोक्स की ब्रांडिंग वाले फुट मैट, जो कि इंस्टॉल कर दिए गए जर्मन फिटमेंट के साथ। सेम इधर मिलेगा, सेम मिलेगा आपको उस तरफ भी, ये देख सकते हैं। और इसके बाद मिलता है आपको टैंक पैड, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। टैंक पैड है पूरा जर्मन यामाहा प्लस एरोक्स 150 की ब्रांडिंग के साथ, और ये जर्मन एरोक्स का, किसी और गाड़ी का नहीं है, प्रॉपर फिटमेंट है इसकी। साथ में आपको मिलती है सीट, जो कि ये है टूरिंग क्रूज़र सीट, और ये है मलेशिया थाईलैंड वाली। ये देखिए कार्बन टच पूरा दिया गया इसके अंदर। सीट तो आपकी कार्बन और रेड है ही है, साथ में कार्बन मिलता है आपको इस तरफ, ये देखिए, ये कार्बन हो गया, इधर कार्बन हो गया, प्लस एरोक्स की ब्रांडिंग जो होगी वो भी आपकी होगी रेड। और इसमें आप चाहो तो ब्लैक भी ले सकते हो, ब्लैक भी अपने पास अवेलेबल है। साइड में देखेंगे साइड स्टैंड जैकेट, जो कि लगा दिया गया इसके अंदर। इसे लगाने के बाद कहीं भी गाड़ी खड़ी करें तो इजी टू होल्ड हो जाती है गाड़ी। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिया गया, आप देख सकते हैं, ये है इसका फिल्टर कवर, जो कि इसमें लगा देगा। इसमें आपको तीन कलर मिल जाते हैं, एक आपका हो गया ये वाला, एक मिलता है आपको ट्रांसपेरेंट, और एक मिलता है इसके अंदर आपको कार्बन। और साथ में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैक लाइट, जो कि इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। ये देखिए चाबी ऑन करते ही, ये देखिए चाबी ऑन करते ही ये आपका हो गया रेड, इधर आपका मल्टी कलर है। और ब्रेक मारेंगे तो ये रोशनी तेज़ हो जाएगी इसके, देख सकते हैं। और इसके बाद अगर इंडिकेटर देते तो आपके इंडिकेटर भी ये साथ में जल जाते हैं, देख सकते हैं। और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की ये लगाई गई है इसके अंदर टेल लाइट, और ये भी सिंपली वो हटाकर और ये लगा दी जाती है, ओरिजिनल वाली हट जाती है और ये सिंपली लग जाती है। और इधर आपको देखने इंडिकेटर बल्ब, जो कि लगा दिया सिमटेक के ओरिजिनल। और नीचे आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर, ये है आपका एग्जॉस्ट स्लाइडर, जिससे आपका एग्जॉस्ट पूरी तरीके से सेफ, साथ में लुक भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनहेंस। और इधर आपको देखने मिलता है कार्बन कलर का आपको रेडिएटर गार्ड, जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। इसमें आपका वैसे पहले मेटल वाला आता था, बट अब ये लेटेस्ट आ रहा है कार्बन वाला, जो ओरिजिनल फिटिंग के साथ है।